नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। मोतिहारी के चकिया में अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में ईटक के बैनर तले दूसरे दिन मंगलवार को भी अपनी मांगों के समर्थन में आशा कार्यकर्ताओं का धरना जारी रहा। वहीं स्थानीय इकाई की सचिव सुगंधी कुमारी सिंह के नेतृत्व में धरना स्थल से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के पुतला के साथ जुलूस निकाला गया तथा अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच पुतला दहन कर आशा कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान हमारी मांगे पूरी करो, जब तक वेतनमान नहीं तब तक कोई काम नहीं, जहां न जाए कोई सवारी वहां जाए आशा हमारी आदि का गगनभेदी नारे लगा रही थी। वहीं संघ की सचिन ने बताया कि सरकार अविलंब हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो आगामी 15 सितंबर से अपने बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। सुनीता कुमारी चकिया उपाध्यक्ष, आशा संघ उपाध्यक्ष। हम इसलिए पुतला दहन किए हैं कि हमारी मांग को नहीं मांगी गई। आज 14 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, आशा में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन 1000 2000 100 200 से कभी बड़ा नहीं हम लोग का वेतन। आज के ज़माने में एक डॉक्टर एक नर्स का 50,000 एक लाख तनख्वाह है, उसी काम को हम कर रहे हैं तो हमको क्यों 1000 दिया जा रहा है? क्या मेरे बाल बच्चे 1000 में पल रहा है? हमारे घर में 1000 का खर्चा है, उसका परिवार का लाखों खर्चा है। महंगाई बढ़ गई, वेतन नहीं बढ़ा, इसका मकसद क्या है? सरकार हम लोगों को मूल्हा बना करके काम करवा रही है, अपना मकसद पूरा कर रही है, हम लोगों को बुद्धू बना रही है। अगर आपकी मांग सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या करिए? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, काम को बंद कर देंगे, स्वास्थ्य विभाग को चूर चूर कर देंगे, आशा पर स्वास्थ्य विभाग की हम हॉस्पिटल के सचिव सुगंधी कुमारी हैं। हम लोग आशा संघ के सचिव सुगंधी कुमारी। हम लोग से सरकार काम करा रहा है, मजदूरी नहीं दे रहा है। हम लोग वेतन मान के लिए यह सब काम हम लोग बाजित करना चाहते हैं। धरना दिए हैं और पुतला जलाए हैं कि हम लोग को मानदेय करे। अगर सरकार आपके मांग को नहीं मानती है तो क्या करिए? निश्चित काल के लिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं और सारा काम को हम लोग बाजित करें।